क्लास हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ लिया था। अब हम करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द अर्थ इज एनवेलप्ड बाय ब्लैंकेट ऑफ गैसेज कॉल्ड एटमोसफेयर। कहते हैं हमारी अर्थ जो है ये एनवेलप हुई है, मतलब एक ब्लैंकेट टाइप का है इसके इर्द गिर्द गैसेज का, ठीक है, उस जिसे हम बोलते हैं एटमोसफेयर। ब्लैंकेट क्या होता है, जैसे मतलब चादर हमारी रजाई टाइप एक बनी हुई है, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, कंबल जैसा, तो वो क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है। सम ऑफ दीज गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी टू ट्रैप सन हीट। कहते हैं कुछ गैसेज ऐसी हैं इनमें से, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सन की हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर सोख लेते हैं, हम ये बोल सकते हैं। दीज गैसेज डू नॉट अलाउ सन हीट टू एस्केप इन टू द स्पेस। अब कहता है ये जो गैसेज हैं ये अलाउ नहीं करती सन की हीट को कि भाई वो स्पेस में आ सके। दिस हीट कीप्स द अर्थ वार्म। अब ये हीट क्या करती है, अर्थ को वार्म गर्म रखती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब ये कि सन की रेडिएशन से, रेस से जो हमारी अर्थ क्या रहती है, वार्म गर्म रहती है, टेम्परेचर उसका हाई रहता है, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एंड दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। और जिन गैसेज के कारण ये होता है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेज। अब आगे आता है, कहता है ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, द ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर देर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। कहता है ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट विच एम्ड एट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। कहते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर कंट्रीज ने क्या कर दिया, कि एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ये एम बना, इस पर ये लिखा हुआ है कि भाई हम ग्रीन हाउस गैसेज को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, मतलब इसे रिड्यूस करेंगे। और काइटो प्रोटोकॉल इज सच वन सच एग्रीमेंट। कहता है काइटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, यही एग्रीमेंट है जो कुछ मैक्सिमम कंट्रीज ने क्या किया है, साइन किया हुआ है। देन आता है होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में होल, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है सर्टन पॉल्यूटेंट गैसेज अफेक्ट द ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर। अब एटमोसफेयर क्या है, अर्थ के इर्द गिर्द गैसेज की जो ब्लैंकेट बनी हुई है, ठीक है। अब एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, जो हमारी अर्थ को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के भी बाहर अपर वाली साइड सबसे पहले ओजोन लेयर आती है, फिर एटमॉस्फेयर आता है, फिर जाके हमारी अर्थ आती है। यू ऑलरेडी नोन दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यू अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल रेज प्रेजेंट इन द सनलाइट। कहते हैं आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें बचाती है यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से, जो क्या है, बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, सन की लाइट में प्रेजेंट होती है। सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड अ होल इन दिस लेयर एंड वी आर नाउ एट अ ग्रेटर रिस्क। कहता है ह्यूमंस की, इंसानों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनके कारण ओजोन लेयर में क्या आ गया, एक होल आ गया है, होल मतलब एक सुराख हो गया है, इसके कारण हम बहुत ज़्यादा रिस्क में आ चुके हैं। अब CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं आर द सबस्टांसेस विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही क्या है, मतलब किसमें, ओजोन लेयर में क्या है, होल आया है, और यही गैस जो है ये क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे मतलब खतरे में आने के लिए। दीज आर वाइडली यूज इन एयर कंडीशनर्स। अब CFCs किस में यूज होता है, हमारे ACs जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी, ठीक है। व्हाट कैन बी डन, अब कहते हम मतलब क्या कर सकते हैं, वी हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग मेजर्स टू सेव अवर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। कहते हैं हमने अब स्टार्ट कर दिया है कि हम क्या करें, कुछ ऐसे मेजर्स लें जिसके लिए, इस कारण हम क्या कर सकें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें। बट अलॉट मोर हैज स्टिल बी टू बी डन। अब इस बहुत ज़्यादा क्या है, अभी भी करने वाला पेंडिंग है, मतलब और भी हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। अवॉइडिंग यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। कहता है प्लास्टिक बैग को यूज़ करना बंद करें, क्योंकि
दे ब्लॉक ड्रेनेज एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ डर्टी वाटर। ये क्या करते हैं, ड्रेन्स को मतलब नालियों को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे गंदा पानी जो है वो नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्या कहता है, टॉल चिमनीज मस्ट फिल्टर्स विद फिल्टर्स मस्ट बी फिटेड इन द इंडस्ट्रीज दैट रिलीज स्मोक एंड गैसेज वेरी हाई अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड प्लेसेज फैक्ट्रीज एंड व्हीकल रिलीजिंग स्मोक शुड बी पिनलाइज्ड। अब कहते हैं बड़ी बड़ी टाल टाल लंबी लंबी चिमनीज बनानी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, फिल्टर्स हो, ताकि जो इंडस्ट्रीज से क्या आ रहा है, धुआं वगैरह निकल रहा है, गैसेज निकल रही हैं, ठीक है, वो कहाँ जाए, कहीं पॉपुलेटेड प्लेसेस जो हैं उससे कहीं दूर, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूर कहीं जाके वो धुआं क्या हो निकले, उससे क्या होगा, लोगों को हार्म नहीं होगा, और फैक्ट्रीज व्हीकल से जो स्मोक वगैरह निकलता है उससे भी क्या करें, उसके लिए भी मेजर्स लिए जाएँ। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी रिड्यूस एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू कंजर्व सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ। कहता है पेड़ों को काटना बंद कर देना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम सॉइल को बचा सकें और वाइल्ड लाइफ को भी बचा सकें। देन आता है एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस इफ पीपल यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स। अब कहता है एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं अगर लोग क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एज कम्पेयर टू अपनी प्राइवेट जो व्हीकल होते हैं जैसे कार वगैरह, ठीक है। ऑल्सो पीपल शुड यूज बाइसिकल्स फॉर कवरिंग शॉर्टेज डिस्टेंस। और लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, बाइसिकल मतलब साइकिल को यूज़ करना चाहिए छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ना कि गाड़ियों को लेके जाना चाहिए अपनी। फार्मर शुड बी टॉट सेफर वे ऑफ फार्मिंग। फार्मर्स को, किसानों को ये सिखाना चाहिए, ठीक है, कि वो अच्छे सेफर वे से क्या करें, फार्मिंग करें। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड नॉट बी डन। और ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। इंस्टेड ग्रेटर यूज ऑफ कंपोस्ट शुड बी एनकरेज, ठीक है, मतलब पेस्टिसाइड यूज ना करके हमें मतलब बाकी वाले क्या करने चाहिए, मेजर्स अपनाने चाहिए और सेफ फार्मिंग करनी चाहिए। ग्लास बॉटल कैन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा शुड बी रिफ्यूज एज फार एज पॉसिबल। कहता है ग्लास की शीशे की बॉटल जो है, कैन जो होते हैं, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये रिफ्यूज एज फार एज, मतलब इनको रीयूज करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, उतनी देर तक जब तक हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। दे शुड बी रिसाइकल टू मेक अदर थिंग्स। इनको रिसाइकिल करना चाहिए बाद में, ताकि इनको फर्दर क्या कर सकें, और चीज़ें बना सकें। देन आता है द थ्री आर्स। अब ये थ्री आर्स क्या है, कहता है रिड्यूस, सबसे पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस व्हेन एवर पॉसिबल द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर फॉसिल फ्यूल पेपर पॉलीबैग्स एंड प्लास्टिक। कहता है कम से कम यूज करो किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, फॉसिल फ्यूल का, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, पेपर का, पॉलीबैग्स का, मतलब पॉलीथीन के बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक का, इनका क्या करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। देन आता है रीयूज़। की रीयूज़ क्या होता है, कहता है थिंक ऑफ वे टू रीयूज द ओल्ड थिंग। कहता है सोचो किसके बारे में कि हम पुरानी चीज़ों को कैसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ओल्ड क्लॉथ्स, गजेट्स, बुक्स एक्सेट्रा शुड बी गिवन टू दोज पीपल हु कैन यूज देम। अब ओल्ड कपड़े हुए, पुराने कपड़े, गजेट, बुक्स एक्सेट्रा जो है, ये हमें उन लोगों को देने चाहिए जो इनका यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड कर्टन्स कैन बी स्टिच्ड इनटू शॉपिंग बैग। जो ओल्ड हमारे पुराने कर्टन होते हैं, पर्दे होते हैं, इनको स्टिच करके हमें शॉपिंग बैग्स बनाने चाहिए। मेटल कैंस कैन बी यूज एज पेन होल्डर। मेटल बैग से हम क्या बना सकते हैं, पेन होल्डर, मतलब जिनमें पेन रखे जाएँ वो बना सकते हैं, ठीक है। तो रीयूज़ करना चाहिए चीज़ों का, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया उसको फेंक दो, उनको हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देन तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल। कहता है ऑल द यूज एंड डिस्चार्ज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटेलिक थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड सो एज टू एंश्योर दैट दे आर नॉट थ्रोन अवे। कहता है जितने भी डिस्कार्डेड पेपर होते हैं, ग्लास होते हैं, ठीक है, मेटेलिक थिंग्स होती है, मेटल की बनी चीज़ें होती हैं, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सो दैट ये क्या, हम इनको मतलब सो दैट हमें क्या करना चाहिए, इनको मतलब फेंकना नहीं चाहिए, थ्रो अवे, इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको रख देना चाहिए। जैसे रद्दी वाला आता है, आप क्या करते हो, पेपर वगैरह, प्लास्टिक जो उनको दे देते हो ना, फिर वो आगे रिसाइकल करके दोबारा से कुछ नई चीज़ बन के वापस आती है, वैसे ही पेपर, ग्लास, प्लास्टिक जो है ये सब दे देनी चाहिए, ठीक है, यहाँ रख देनी चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसका रिसाइकल होके उसकी नई चीज़ बन के वापस से मार्केट में आती है। तो बच्चे इसी के साथ हमारा ये लेसन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।